सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो नमस्ते दोस्तों, आज सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि कल सीबीएसई ने ऑफिशियली सैंपल पर जारी कर दिया था अपनी वेबसाइट पे। मेरे को उम्मीद है सभी ने बच्चों ने आराम से डाउनलोड कर लिए होंगे। अगर नहीं डाउनलोड किए तो हमारी वेबसाइट पे हर एक सब्जेक्ट का सैंपल पेपर अवेलेबल है, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, आप डायरेक्टली वीडियोज़ को सर्च करके देख सकते हो। और अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा चैनल तो आपको हमारे चैनल की जो लिस्ट है वहाँ पर मिल जाएगा। हमने हर एक सब्जेक्ट के सैंपल पेपर जारी कर रखे हैं, उनकी वीडियोस भी दे रखी है, साथ में वीडियो के अंदर ही आपको सैंपल पेपर भी मिल जाएगा, साथ में प्रूफ भी मिल जाएगी और सैंपल पेपर की लिंक भी मिल जाएगी, तो आप वीडियोस चेक कर लेना। तो गाइस बहुत सारे बच्चे मेरे को कह रहे हैं कॉल करके कि सर सैंपल पेपर तो आ गया बट सर जो पैटर्न है सर उसके अंदर सिर्फ सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सर, ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। तो गाइस देखो बेसिकली मैंने जितना पेपर देखे जितना पैटर्न देखा है ये पैटर्न ऑलरेडी सीबीएसई ने पहले ही बता दिया था। कुछ क्वेश्चंस है मैक्सिमम क्वेश्चन सब्जेक्टिव ही होंगे ये पहले सीबीएसई ने बोला था, लेकिन कुछ क्वेश्चन है जिसमें ऑब्जेक्टिव भी है, मतलब कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जैसे मैं आपको बता दूँ जैसे जो क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव मिल रहा है लेकिन उसमें भी आपको रीज़न देना पड़ेगा। मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव वाला पैटर्न यूज़ किया जाएगा। मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले एक बुक भी बताई थी, उस बुक के अंदर भी ये सेम पैटर्न था। तो गाइस ये पैटर्न मैं समझता हूँ बच्चों के लिए फ्रेंडली नहीं है, मैं ये बात मानता हूँ आपकी, कई सारे बच्चों को ये सैंपल पेपर फ्रेंडली नहीं लगेगी, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि टर्म वन का पेपर हार्ड आया था ना उतना हार्ड आपका टर्म टू का पेपर नहीं आएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा सब्जेक्टिव होगा जितना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा उतना ही पेपर को ईजी बनाया जाता है। तो गाइज मेरे को उम्मीद है सभी को सैंपल पेपर पसंद आए होंगे। आप सभी के क्या रिएक्शन है, आप सभी लोग सैंपल पेपर को देखने के बाद में आपको कैसा फील हो रहा है आप कमेंट करके जरूर बताना। पेपर इजी लग रहे हैं हार्ड लग रहे हैं सारे अपने फीडबैक देना, अगर जरूरत पड़ी तो हम एक और वीडियो बना देंगे। तो गाइज मेरे को उम्मीद है सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, अपने फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सिंह फिर सेफ रहो। अच्छी बात बोली आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए क्यों कष्ट हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए।